आरजेडी लालू यादव और जो अपोजिशन है वो आपको साफ दिखेगा कि वो कहीं ना कहीं मैथिली के पक्ष में नहीं है संजय झाजी उन्हें बेवकूफ बना रहे हैं बिहार सरकार दबा के बैठ गई उसके ऊपर कुंडली मारकर सांस्कृतिक भाषाओं की सूची में शामिल करने का केंद्र सरकार को आग्रह किया है एप्लीकेशन दिया है पूरा मेमोरेंडम बनाया है पूरा का पूरा रिपोर्ट बनाया है मैथिली को जान बुझ करके इग्नोर किया गया अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट करते हैं लंबा चौड़ा ट्वीट करते हैं उड़िया को शामिल किया गया है लेकिन मैथिली को नहीं किया गया भोजपुरी को नहीं किया गया है या बिहार की किसी भी भाषा को नहीं किया गया क्षेत्र में बीजेपी का एनडीए का अच्छा खासा दबदबा आपको मिलेगा उन्नीस में उस समय पार्लियामेंट के अंदर नारायण दास जी बतौर जो मैथिली का टीचर ही नहीं रिक्रूट किया गया है कोई भी तो पढ़ाएगा कौन मिथिला क्षेत्र के लोग यानी कि मिथिलावासी जो मिथिला क्षेत्र में रहते हैं मैथिली भाषा बोलते हैं वो लोग अलग मिथिला राज्य की लड़ाई लड़ रहे हैं आंदोलन कर रहे हैं लेकिन दूसरी तरफ उन्हीं के क्षेत्र के उन्हीं के समाज के सबसे बड़े नेता जिन्हें आज के डेट में कहा जा सकता है रूलिंग पार्टी के जे के कार्यकारिणी राष्ट्रीय अध्यक्ष राज्यसभा सांसद संजय झाजी उन्हें बेवकूफ़ बना रहे हैं कैसे बेवकूफ़ बना रहे हैं वो हम सब कुछ आज बताएंगे लेकिन मैथिली भाषा के सहारे अभी तीन अक्टूबर को एक महीना भी नहीं हुआ है तीन अक्टूबर को भारत सरकार ने पांच भाषाओं की सूची जारी की है पांच वो भाषाएं जिन्हें आप सांस्कृतिक भाषा कह सकते हैं जिसे आप ध्रुपदी भाषा या अभिजात भाषा या फिर उन्हें आप शास्त्रीय भाषा कह सकते हैं यानी कि ऐसी भाषाएं जिनका पुराना इतिहास है कम से कम डेढ़ से दो हजार साल पुराना हो रिच लिटरेरी कल्चर हो ट्रेडिशन हो ऐसी भाषाओं को भारत सरकार आइडेंटिफाई कर रही है ये प्रक्रिया उन्होंने शुरू कर दिया था 2004 से चार में पहली बार तमिल को सांस्कृतिक भाषा या शास्त्रीय भाषा का ओहदा दिया गया था उसके बाद उसमें बढ़ते बढ़ते आज के डेट में टोटल 11 भाषाओं को उसमें शामिल कर लिया गया है छह पहले था पांच अभी मोदी सरकार ने शामिल किया है लेकिन इसमें मैथिली को जगह नहीं दिया गया जबकि मैथिली की तरफ से मैथिली एक संस्था है मैथिली साहित्य संस्थान उन्होंने 300 पेज का रिपोर्ट बिहार सरकार को सौंपा था ताकि मैथिली को भी सांस्कृतिक भाषा की सूची में शामिल करवाया जाए हालांकि जब मीटिंग हो रहा था होम मिनिस्ट्री का मीटिंग हो रहा था कि कौन सा इस लिस्ट में किसको इसको शामिल किया जाए तो सूत्रों का द हिंदू में एक आर्टिकल छपा है उसमें उनके हवाले से उनका दावा है कि जो साहित्य संस्थान के लोगों का दावा है कि वहां पे होम मिनिस्ट्री में मैथिली के बारे में चर्चा किया गया है कि उसको शामिल किया जाना चाहिए लेकिन उसके बावजूद उसमें शामिल इसलिए नहीं किया गया क्योंकि जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के तहत को प्रक्रिया को फॉलो नहीं किया था और किसने फॉलो नहीं किया बिहार सरकार ने फॉलो नहीं किया प्रक्रिया ये होती है कि कोई भी संस्थान कोई भी प्राइवेट एनजीओ कोई भी हो वो चाहे तो राज्य सरकार को एप्लीकेशन दे सकता है मेमोरेंडम दे सकता है या जो भी कहिए आग्रह पत्र दे सकता है अपनी भाषा को राष्ट्रीय भाषा अपनी भाषा को सांस्कृतिक भाषा में शामिल करवाने के लिए अगर नहीं भी देता है तब भी सरकार राज्य सरकार अपने स्तर से किसी भी भाषा को सांस्कृतिक भाषा के सूची में शामिल कराने के लिए जैसे कि ऑफिशियल लैंग्वेज की सूची में शामिल कराने के लिए एप्लीकेशन राज्य सरकार देती है केंद्र सरकार उसको अप्रूव करती है तो वो दे सकती है या देना चाहिए होना तो यही चाहिए था कि बिहार सरकार मैथिली भाषा से संबंधित मेमोरेंडम तैयार करके पूरा रिपोर्ट तैयार करके जिस जिस क्रिटेरिया के आधार पर इसे शामिल किया जाता है वो सारे पक्ष रखते हुए केंद्र सरकार को ये सौंपती रिपोर्ट लेकिन वो नहीं सौंपी तो मैथिली साहित्य संस्थान ने 300 पेज का रिपोर्ट सौंपा और वो रिपोर्ट को बिहार सरकार दबा के बैठ गई उसके ऊपर कुंडली मार करके और उन्हें केंद्र सरकार तक पहुंचाया ही नहीं सिर्फ उनको फॉरवर्ड करना था और वो भी नहीं किया गया और इसी कारण से मैथिली को शामिल नहीं किया गया भाषा में सांस्कृतिक भाषा की सूची में हालांकि इसी साल बिहार सरकार ने दो भाषाओं को सांस्कृतिक भाषाओं की सूची में शामिल करने का केंद्र सरकार को आग्रह किया है एप्लीकेशन दिया है पूरा मेमोरेंडम बनाया है पूरा का पूरा रिपोर्ट बनाया है और उन दोनों भाषाओं को शामिल किया भी गया है पाली और प्रकृत भाषा को जो कि बहुत पुरानी भाषा है नो no डाउट बिहार की सबसे पुरानी भाषा मानी जाती है बुद्ध के समय से ही है लेकिन मैथिली को जान बुझ करके इग्नोर किया गया अगर मैं इग्नोर जान के नहीं किया गया तो फिर और पाली के लिए बिहार सरकार को कैसे याद रहा अब इसमें इंपॉर्टेंट नोट करने वाली बात यह है कि कैसे जब मैंने कहा कि संजय झा बेवकूफ बना रहे हैं अपने ही क्षेत्रों लो, के लोगों को तीन तारीख को यह सूची जारी होती है संजय झा को जैसे ही पता चलता है उनको एहसास होता है गलती तो हुई है तो अब उसको कैसे रेक्टिफाई किया जाए सात तारीख को वो अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट करते हैं लंबा चौड़ा ट्वीट करते हैं आप उस ट्वीट को देख सकते हैं स्क्रीन पे बड़ा सा ट्वीट है पूरा डिटेल देते हैं कि मैंने कब 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 मैथिली भाषा को सांस्कृतिक भाषा की सूची में शामिल करने के लिए इस नेता से मिला इस कमेटी से मिला ये किया वो किया और उसके बाद दावा कर रहे हैं कि अगले साल जो सूची जारी होगा उसमें मैथिली को शामिल करवाया जाएगा बहुत जल्दी शामिल करवाया जाएगा जरूरी नहीं को अगले साल ही शामिल हो क्योंकि 2014 में आखिरी बार किसी भाषा को शामिल किया गया था इस सूची में 2014 के बाद 10 सालों के बाद पहली बार इस सूची में किसी भाषा को ऐड किया गया पांच भाषाओं को एक साथ ऐड किया गया इसकी पूरी प्रक्रिया शुरू होती है पहली बार केंद्र में यूपीए की सरकार 12 अक्टूबर 2004 को एक नोटिस जारी करती है जिसमें एक नई प्रथा शुरू करती है कि भारत में जो सांस्कृतिक भाषाएं हैं है, उन भाषाओं की सूची बनाना शुरू करती है और उसमें पहली भाषा तमिल होती है जो 12 अक्टूबर 2004 को घोषित होती है इंटरेस्टिंगली संस्कृत पहले नहीं होती है संस्कृत दूसरी होती है एक साल के बाद नवंबर 2005 में संस्कृत को भी सांस्कृतिक भाषा या शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया जाता है भारत सरकार के द्वारा उसके बाद फिर नेक्स्ट आता है कन्नड़ और तेलुगु इन दोनों को साथ में इकतीस अक्टूबर दो को तीन साल के बाद किया जाता है फिर मलयालम को दो में और फिर उड़िया को 2014 में शामिल कर लिया जाता है यही सरकार थी यूपी की सरकार थी यानी कि उड़िया को शामिल किया गया है लेकिन मैथिली को नहीं किया गया भोजपुरी को नहीं किया गया है या बिहार की किसी भी भाषा को नहीं किया गया था इसके बाद फिर दस सालों के बाद दस साल सोने के बाद मोदी सरकार जागी और इन भाषाओं को शामिल किया गया हालांकि चुनाव के बाद किया गया ये इंटरेस्टिंग है अब चुनाव का मैथिली से संबंध हो सकता है संबंध ऐसे हो सकता है कि अगले साल बिहार में चुनाव है तो इस साल अगर जेडीयू या फिर नीतीश सरकार मैथिली को इस कल्चरल लैंग्वेज की लिस्ट में शामिल करवाती तो हो सकता है कि अगले चुनाव तक तो ठंडा हो जाता मामला लेकिन अगले साल क्योंकि जारी जब भी होता है ये अक्टूबर नवंबर के आपने देखा होगा अक्टूबर नवंबर के आसपास ही होता है और इसी अक्टूबर में होना है चुनाव तो अगर नेक्स्ट ईयर ये लिस्ट जारी फिर से करे और मैथिली को शामिल किया कराया जाए तो हो सकता है उसका पॉलिटिकल फायदा जेडीयू को मिले और इसके पीछे एक और भी कारण है अगर आप कम से कम पिछले तीस सालों का इतिहास देखेंगे तो आरजेडी लालू यादव और जो अपोजिशन है वो आपको साफ दिखेगा कि वो कहीं ना कहीं मैथिली के पक्ष में नहीं है और जेडीयू हमेशा इसका मुद्दे को उठाता रहा है या फिर बीजेपी इस मुद्दे को उठाता रहा है क्योंकि एक कारण उसके पीछे ये भी हो सकता है कि जो मैथिली क्षेत्र है वहां पे जो मैथिली को लेकर के चाहे मैथिली राज्य हो मैथिली भाषा हो मैथिली संस्कृति हो मैथिली खान पान हो उसको लेकर के सबसे ज्यादा जो वोकल कम्युनिटी है वो वहां के ब्राह्मण अपर कास्ट है खास करके ब्राह्मण वहां के झा लेकर इसीलिए आप देखिएगा संजय जी के उस लेटर में भी जो उन्होंने चार लोगों का रिकमेंड किया है नाम उसमें सारे के सारे झा ही है तो इसको बीजेपी और उन सपोर्ट इसलिए ज्यादा करती है और इसीलिए आप देखिएगा कि इस क्षेत्र में जी जितने लोग होते हैं या ब्राह्मण और जितने जितने वो सारे, -सारे के सारे बीजेपी के सपोर्टर और इसीलिए इस क्षेत्र में बीजेपी का एनडीए का अच्छा खासा दबदबा आपको तो मिलेगा जो मैथिल क्षेत्र है जो दरभंगा का एरिया हो गया मुजफ्फरपुर का एरिया हो गया आज पूर्वी चंपारण का सीतामढ़ी शिवहर ये क्षेत्र जो आप देखिएगा इसमें बीजेपी इंडिया का अच्छा खासा दबदबा आपको मिलेगा और ये पॉसिबल रीजन हो सकता है कि अभी क्यों नहीं किया गया लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर क्रिटेरिया क्या होता है किस आधार पर किसी भाषा को भारत सरकार कल्चरल लैंग्वेज या फिर सांस्कृतिक या फिर साहित्यिक भाषा का दर्जा देती है और अगर इसमें चर्चा मैथिली का हो रहा है तो फिर भोजपुरी का चर्चा क्यों नहीं हो रहा है क्योंकि इतिहास यही दिखाता है कि मैथिली से ज्यादा पुराना भोजपुरी है वो हम भी वो भी हम आपको बताएंगे और ये जो लालू यादव और उसके बीच में जो रीजन है ना कि आरजेडी क्यों सपोर्ट करती है क्यों नहीं सपोर्ट करती है मैथिली को और क्यों भोजपुरी को ज़्यादा लैंग्वेज डिवाइड है अगर आप मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि, कि किस तरह से भारत की नहीं बल्कि बिहार की राजनीति जो है वो भाषा के आधार पर भी बांटी जा सकती है जहाँ पे कि RGD और उनके समर्थक ज्यादातर भोजपुरी के पक्ष में होते हैं और एन नॉर्थ बिहार में एनडीए ज्यादातर मैथिली के पक्ष में होते हैं इसीलिए आपको ये, ये इसके लिए से वीडियो बनाएंगे फिलहाल आप उस क्रिटेरिया को समझिए जब 2004 में ये शुरू हुआ था 2004 में जब पहली बार हुआ था तो उसमें कोई स्पेसिफिक ईयर नहीं दिया गया था कि कितना साल पुराना होना चाहिए कितना वो होना चाहिए और उसके बाद जब मोदी सरकार ने फिर से जब ये जारी किया तो उन्होंने क्रिटेरिया को चेंज कर दिया 25 तारीख को के आसपास 25 जुलाई 2024 को जब आ, मीटिंग हुई थी लिंग्विस्टिक एक्सपर्ट कमेटी की मीटिंग हुई थी जिसमें कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर साहित्य अकादमी के लोग होते हैं तो उन्होंने क्रिटेरिया को चेंज किया पहले कोई स्पेसिफिक ईयर नहीं दिया बस लिखा होता लॉन्ग रिच प्राचीन ट्रेडिशन होना चाहिए रिच लिटरेचर होना चाहिए ये सब चीजें था लेकिन स्पेसिफिक कुछ नहीं था लेकिन उसको स्पेसिफाई किया गया उसको स्पेसिफाई करने के पीछे भी एक कहानी है हुआ ये था कि 2000 आपका 15 में 2014 में महाराष्ट्र सरकार ने ये सौंपा ज्ञापन सौंपा कि केंद्र सरकार को कि मराठी को सांस्कृतिक भाषा या फिर साहित्यिक भाषा शास्त्रीय भाषा में शामिल किया जाए उसके बाद फिर जो लिंग्विस्टिक एक्सपर्ट कमेटी है उसने रिकमेंडेशन को अलाउ कर दिया कि ठीक है ये हो जाना चाहिए क्योंकि कोई उसमें स्पेसिफिक नहीं दिया हुआ था कि कितना साल लैंग्वेज पुराना होना चाहिए कितना लिटरेरी लिटरेचर रिच होना चाहिए सब बिल्कुल स्पेसिफिक नहीं दिया हुआ था तो उसको रिकमेंड कर दिया लेकिन अब चूंकि रिकमेंड कर दिया तो उसको आप नीचे जा भी नहीं सकते हैं तो भारत सरकार ने फिर पीएमओ ने उसमें इंटरफेयर किया और उन्होंने एक्सपर्ट कमेटी को कहा कि आप इसके क्रिटेरिया को थोड़ा सा क्लेरिफाई कीजिए थोड़ा सा इसको हार्ड बनाइए थोड़ा सा और स्पेसिफिक बनाइए थोड़ा सा और मतलब क्लियरिटी उसमें आनी चाहिए तब उसके बाद फिर 25 तारीख को 25 जुलाई 2024 को रिवाइज किया गया और उसमें जो क्रिटेरिया दिया गया उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि कम से कम 1500 से 2000 साल पुरानी होनी चाहिए भाषा ये उसके बाद उन्होंने कहा है कि जो पुराना लिटरेचर है जैसे मैथिली है तो जो 1500 साल पहले पुराना मैथिली लिटरेचर था या लैंग्वेज हुआ करता था और आज का जो मैथिली उसमें डिफरेंस होना चाहिए ताकि हम उसी आधार पर तो पुराने वाले को प्रिजर्व करने के लिए उसको बचाने के लिए हम प्रयास करेंगे या फिर बहुत ज़्यादा चेंज आ रहा है उसमें त्रुटियाँ आ रही तो उसको हम ओरिजिनल वर्जन को प्रिजर्व किया जाएगा उसको प्रमोट किया जाएगा अगर कोई चेंज ही नहीं है तो फिर क्या प्रमोट करेंगे हम क्या प्रिजर्व करेंगे तो ये क्रिटेरिया उसमें दिया गया कि पुराना और करंट वर्जन में डिफरेंस होना चाहिए इसके बाद फिर उन्होंने कहा कि लिटरेचर अच्छा खासा पुराना होना चाहिए इसमें जैसे अब मगही है बिहार में उनकी भाषा है मघी है बहुत पुरानी है कहते हैं कि मघी बुद्ध के समय में बोली जाती थी और मघी क्षेत्र पूरा जो आपका पटना से लेकर नीचे जितना भी नवादा ना नालंदा ये सब क्षेत्र राजगीर वगैरह जो क्षेत्र है गया वगैरह ये सब सब मघी में आता है और ये सबसे पुरानी भाषा मानी जाती है आम लोगों की बिहार के अंदर जो बुद्ध के समय में बोली जाती थी लेकिन उसका कोई लिटरेचर नहीं है वो सिर्फ आम बोलू बोल चाल की भाषा हुआ करती थी इसलिए वो उसको नहीं ला सकते हैं क्योंकि उसमें कोई लिटरेचर नहीं है, कोई साहित्य उसका नहीं है इसके बाद फिर एक और दिया गया कि इसमें ओरिजिनलिटी होनी चाहिए कॉपी पेस्ट नहीं होना चाहिए कि मैथिली का ही चार वर्जन है अंगिका को मैथिली को सबको अलग अलग समझ लिया बंगाली में भी जो आपका कॉपी लोग कहते हैं कि भद्र लोग बंगाली अलग है जो और बाकी बंगाली से अलग है तो वो कॉपी नहीं होना चाहिए हिंदी का ही बहुत सारा अलग अलग भाषा है अगर हिंदी के अलग अलग उपभाषाएं हैं तो वो नहीं होना चाहिए ये उन्होंने क्रिटेरिया दिया और उस क्रिटेरिया के आधार पर अगर आप देखिएगा जज कीजिएगा तो सही मायने में देखिएगा तो ज़्यादा क्वालिफाई करता है भोजपुरी कैसे आप मैथिली का उठाइए मैथिली का जो सर्टिफाइड अब देखिए मैथिल के लीडर तो कहेंगे कि हजारों साल पुराना है पांच हजार साल पुराना है हड़प्पा के समय से ही चल रहा है वैदिक समय से ही है लेकिन जो लिटरेचर अवेलेबल है मैथिली का उसमें सबसे पुराना माना जाता है सबसे पुराना किताब मैथिल में जो लिखा हुआ है वो है वर्णा रत्नाकर और ये 1324 में लिखा गया है यानी कि 1324 से लेकर 2024 आइएगा तो मात्र 700 साल पुराना जबकि क्रिटेडिया के अनुसार कम से कम 1500 साल पुराना होना चाहिए लेकिन सांक्रतायन ने जो बिहार के बहुत बड़े लिटरेचर फिगर थे उन्होंने लिखा था अपने लिटरेचर में कि एक लिटरेचर के एक बहुत बड़े पोएट हुआ करते थे सराहपदा उनका नाम हुआ करता था और उन्होंने मैथिली में भी लिखा था सिर्फ मैथिली में नहीं लिखा था मैथिली के लिए इनको मैथिली का लिटरेचर का इनको मैथिली का पोएट या मैथिली का राइटर नहीं कह सकते हैं मैथिली में भी लिखा था जैसे कि फाहियान अगर आ रहा है तो अगर वो संस्कृत पाली प्रकृत में लिख दिया तो उसको पाहिया का कहेंगे नहीं कहेंगे वो अलग बात है लेकिन ये जो साराह पदा थे ये बंगाली में भी लिखे थे उड़िया में भी लिखे थे हिंदी में भी लिखे थे और मैथिली में भी लिखे थे तो इस आधार पे अगर लाएंगे तब ये जाता इनका एज था 700 से लेकर सात इनको भी अगर आप स्पेसिफिक ले लीजिएगा तब भी 1500 साल पूरा नहीं जाता है तो दोनों एंगल से 1500 साल पुराना नहीं जाता है लिटरेचर तो इसमें क्वालिफाई नहीं करता है लेकिन जो बाकी क्रिटेरिया है कि पुराना वर्जन नया वर्जन में डिफरेंस होना चाहिए है मैथिली का पुराना वर्जन अभी का वर्जन में बहुत डिफरेंस है उसके बाद फिर जो लिटरेचर भी बहुत है अच्छा बिहार में अगर कोई दो लैंग्वेज जो सबसे ज़्यादा लिटरेचर के रूप में रिच है कल तो वो एक भोजपुरी है और दूसरा मैथिली है इसके बाद फिर ओरिजिनलिटी भी है मैथिली के लिटरेचर में वाइड एंगल में फैला हुआ है सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि बिहार के बाहर भी बोला जाता है बिहार से बाहर चले जाइए आप नेपाल में दूसरा सबसे ज़्यादा बड़ा बोला जाने वाला भाषा है पूरे दुनिया में लोग हिंदुस्तान में तो लोग कहते हैं कि लगभग एक वन करोड़ लोग इसको बोलते हैं लेकिन पूरी दुनिया में कुछ लोगों का दावा है कि मैथिली आंदोलनकारियों का दावा है कि आठ करोड़ लोग इसको बोलते हैं लेकिन जो भी है लेकिन अच्छा वाइड एंगल है इसका एक रिच कल्चरल ट्रेडिशन है लेकिन ईयर वाले में मात खा जाते हैं ये ये वाला इनका साल पूरा नहीं होता है तो आगे भी एक्सपर्ट तो वाले में इतिहास सौ पांच सौ साल पुराना ज्यादा नहीं है लेकिन मराठी को इसलिए भी रखा गया क्योंकि मराठी ये आने से उसका आ चुका था। तो अब नई में क्या होगा वो देखना होगा अब इसमें एक दो मुख्य बातें जो बची रह गई है वो बस यही है कि आज भले ही इस तरह से मैथिल या किसी रीजनल भाषा के प्रति सरकार का रवैया इतना ढिलमुल है लेकिन हमेशा नहीं हुआ करता था उदाहरण के लिए इसी मैथल क्या मैं आपको एक एग्जाम्पल दे देता हूं उन्नीस का साल था आज से सत्तर साल पे पुरानी बात हो गई उन्नीस में उस समय पार्लियामेंट के अंदर नारायण दास जी बतौर उस समय सांसद रहते हुए उन्होंने सवाल पूछा रेलवे रे मिनिस्ट्री से रेलवे मिनिस्ट्री से क्या सवाल पूछा उन्होंने पूछा कि ऑल इंडिया मैथिली साहित्य सम्मेलन दरभंगा में होने वाला है और उस दरभंगा के सम्मेलन के लिए क्या रेलवे कोई जो लोग भी वहाँ पे जाना चाहते हैं उस सम्मेलन में जाना चाहते हैं तो उन जाने वाले यात्रियों को कोई रेलवे कॉन्सेसन दे रहा है क्या एक छोटा सा राज्य एक छोटे से राज्य का छोटा सा क्षेत्र मैथिल क्षेत्र का एक लैंग्वेज के ऊपर एक सम्मेलन हो रहा है और उसके लिए एक मंत्री एक सांसद संसद के भीतर सवाल कर रहे हैं कि क्या उनको रेलवे का कॉन्सेसन मिलेगा और रेल मंत्री उप रेल मंत्री उसमें हुआ करते थे रेल मंत्री उसमें एलेक्शन थे वो खड़े होकर सवाल करके जवाब देते हैं कि बिल्कुल दिया जाएगा और दे दिया जा चुका है जितने भी लोग जा रहे हैं उनको कॉन्सेशन रेट पे टिकट दिया जाएगा ये उस समय का दौर था और आज का दौर है आज का दौर में तो सीनियर सिटीजन से लेकर के सबका कॉन्सेशन ख़त्म किया जा रहा है सम्मेलन के लिए तो दूर की बात है स्टूडेंट को एग्ज़ाम देने के लिए तक के लिए कॉन्सेशन नहीं दिया जाता है अब ये आप सोच रहे होंगे कि हम ये क्यों इतना वो कर रहे हैं आखिर क्या मिलेगा इससे मैथिली को या किसी भोजपुरी को या किसी भी भाषा को कल्चरल लैंग्वेज साहित्यिक लैंग्वेज में जगह मिल भी जाएगा लिस्ट में नाम ऐड भी हो जाएगा तो होगा क्या होगा ये कि उस लैंग्वेज को विकास के लिए प्रिजर्वेशन के लिए सरकार अलग से कुछ प्रयास करेगी और प्रयास हो चुका है ऑलरेडी हुआ है उसका एग्जाम्पल भी पड़ा हुआ है उदाहरण के लिए इसको शामिल करने के बाद लगभग पिछले कुछ सालों में तीन संस्कृत यूनिवर्सिटी अभी तक खुल चुका है पूरे हिंदुस्तान में और इसी प्रोग्राम के तहत खुला है इसी कल्चरल लैंग्वेज के जो दर्जे में शामिल किया गया इसके तहत ही खोला गया है इसके अलावा सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेज में सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर स्टडीज इन क्लासिकल कन्नड़ जितनी भाषाएं इसमें शामिल की गई थी 2024 से पहले उन सबको शामिल किया गया कन्नड़ के लिए अलग तेलुगु के लिए अलग मलयालम के लिए अलग और ओडिया और के लिए अलग सेंटर बनाए गए हैं और भी बहुत सारे प्रयास किए गए हैं राष्ट्रीय अवार्ड दिया जाता है क्लासिकल लैंग्वेज के लिए तो ये सारे प्रयास से बहुत इन लैंग्वेज को प्रिजर्व करने में भी और इसको ज़्यादा प्रमोट करने में भी मदद मिलेगी अब इसमें जो जिस बात से मैंने शुरू किया था कि किस तरह से संजिता बेबकू बना रहे हैं अपने ही कम्युनिटी के लोगों को संजय झा वही संजय झा है जिन्होंने आज से दो साल पहले यही सितंबर 2022 में प्रॉमिस किया था अपने आ, मीडिया को बताया था कि वो उन्होंने घोषणा किया था कि बिहार के स्कूलों में भी पढ़ाई जाएगी मैथिली भाषा आज तक उसको शामिल न किया गया है ना कोई लिटरेचर न कोई टीचर रिक्रूट किया गया है मैथिली का तो जो मैथिली का टीचर ही नहीं रिक्रूट किया गया है कोई भी तो पढ़ाएगा कौन इसको ये एक सवाल जो है उनसे पूछा जाना चाहिए दूसरा सवाल ये जो पूछा जाना चाहिए कि जब बिहार जो मैंने बताया था जब बिहार सरकार को ये जो संस्था थी मैथिल साहित्य संस्थान इन्होंने 300 पेज का बना बनाया रिपोर्ट दे दिया था और आप सरकार में थे एन में थे फिर और ये 2018, 22, 23, 24 की बात है तब आपने क्यों नहीं इसको फॉरवर्ड होने दिया बिहार सरकार ने क्यों इसको डिले किया या इसको नहीं फॉरवर्ड होने दिया ये सवाल संजय झा से कम से कम मिथिला के लिए लड़ाई करने वाले लोगों को ये सवाल पूछना चाहिए उनसे हम संजय झा से सवाल पूछ रहे हैं अगर आप मैथिल मैथिल राज्य मैथिल संस्कृति या मैथिल से, किसी भी तरह के मैथिल इमोशन से जुड़े हुए हैं तो आपको भी सवाल पूछना चाहिए और उसके लिए ऐसे और सवालों को जानने के लिए आपको जुड़े रहना पड़ेगा हमसे मतलब कि न्यूज हंटर से एक और वीडियो हम लाने वाले हैं मैथिल वर्सेस भोजपुरी के ऊपर बने रहिए न्यूज हंटर के साथ बहुत कुछ आना बाकी है नमस्कार